तीन से चार आदमी चाहिए जी। अच्छा आइएगा हमारे साथ जी, बोलिए। आइए चलो चलो पहले चलो पहले चलो जी 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 यहाँ पे बात करके फिर अंदर जाते हैं। जी जी बात करते, कुछ नहीं है, बात करके चले जाते हैं, दो मिनट रुकिएगा जी। क्या क्या हुआ, क्या है समस्या? देखिए कल शाम को हमारे यहाँ गांव में नजदीक में, भैया दो मिनट बात करके चले जाते हैं, आप रुक जाइए, उसके बाद आपके पास अंदर ही पुलिस स्टेशन ही आके बात करते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं होगा, रुकिए। आप मुतमइन रहिए, कुछ नहीं होगा, दो मिनट रुकिएगा। तो हमारे गांव में वो लड़का पतंग जब बांधने जा रहे हैं, हाँ निशान, तो वहाँ की जो लीडर्स है TMC का, उन पर हमला किया हमारे बच्चों पर। फिर ये तो वो पतंग का छीनने भी गया तो हमारे लोग नहीं दिए उनको पतंग का, फिर पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके हमारे बच्चों को पकड़ा दिया, वही खुद हमला करे, फिर वो हमारे पर इल्ज़ाम लगा के बच्चों को पकड़ा दिया। फिर हम थाना में आए, हम सबको फ़ोन किए, इमरान सोलंकी साहब को भी और सबको फ़ोन करें, उन्होंने भी वैसी साहब को फ़ोन करें, वैसी साहब को फ़ोन करके कुछ बात करें कि सुबह तक छोड़ देंगे। फिर हम जब घर गए यहाँ से रात 10 बजे, जी यहीं मेरा घर है बाजू में, तो घर जब ही मैं पहुँचा, ये कपड़ा चेंज किया, हाँ तभी देखा तो बाहर गुंडा आ गए, बहुत सारे गुंडा आ गए, आके मुझ पर हमला करने की इरादे में दारू पी के मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं, निकालो घर से। हाँ मैं जब घर नहीं खोला तो अब उनकी जबान से, अश्लील जबान से, नोंगरा जबान से गाली देना शुरू कर दिया जी। तो हमने जवाब नहीं दिया, फिर उसी साहब को मैंने फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन से गाड़ी भेजा, इन्होंने बहुत धमकी दिया कि मार डालेंगे आज, नहीं तो कल मार डालेंगे, कल निकालो घर से, आज लग कर दिया घर, कल मार डालेंगे, ऐसा धमकी दिया। फिर हमारे घर में बच्चा भी है, मेरे बीबी जो है वो प्रेग्नेंट है 9 महीने का, ये एक डर है। हम तो फिर आप लोगों से रब्ता किए, आप मुतमइन रहिएगा, इंशाल्लाह पूरी जमात आपके साथ है, मिलके जो है करते हैं, सांप के पास तक इस बात की इतला जाते हैं। आइए दो मिनट बात करो, सुनो वो बाइक जाने दो, वो बाइक जाने दो, आइए आप लोग करीब आ जाइए सर, बोलिए सर। ये देखिए सुनिए बात मेरी, आप लोगों को मेरी भाषा समझ में आ रही है? पक्का हाँ चलो ठीक। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM कोई अच्छा वक्त देख के आगे नहीं बढ़ी, MIM हमेशा से मुश्किलों का सामना करते हुए, तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ी, सो जमात है, पार्टी है, ठीक है ना। पुलिस स्टेशंस, कोर्ट, जेल, MIM के कार्यकर्ता के लिए कोई नई बात नहीं है, MIM का कार्यकर्ता के लिए कोई नई बात नहीं है, MIM का कार्यकर्ता हमेशा जाइए MIM का कार्यकर्ता हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर इन चीज़ों का मुकाबला करते रहा, तभी जाके पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ बनी, उस आवाज़ का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, यस सर, ये आवाज़ बनी। आप लोग इन चीज़ों से डरना नहीं, हम हमेशा आपके लिए, अभी यहाँ से निकलने के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इत्तला में इस बात के वाक़े को ज़रूर लाएंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस्म से TMC के गुंडों का जो है राज चल रहा है, ये बताएंगे। लेकिन आप लोग कमज़ोर पड़ना नहीं है, हमको डट के मजलिस का MIM का काम करना है और MIM का काम करने से ही हिंदुस्तान में एक आवाज़ बनेगी। ये लोग डराने की कोशिशें करते रहेंगे, ये लोग अपने को सताने की कोशिशें करते रहेंगे, धमकाने की कोशिश करेंगे। इनका धमकाना, इनका डराना सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि ये MIM के कार्यकर्ता घर में बैठ जाए, ताकि इनका जो 70 साल से जो राज चल रहा है, जो गुंडाईजी चल रही है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए ये हम जैसे बेजबान आवाज़ी कौम को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम इनका काम करेंगे। और आपके बाद यहाँ से निकल, अभी इंस्पेक्टर से बात हुई तो इंस्पेक्टर साहब ने भी डिटेल में बताया है कि पुलिस का रवैया सबके लिए बराबर रहेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता रहो, MIM के कार्यकर्ता को भी उतनी ही मदद मिलेगी पुलिस की तरफ से जितनी TMC के कार्यकर्ता को मिलेगी। ये लोग डराने की कोशिशें करेंगे, लेकिन हम डरना नहीं है, हम अपने अजायम को कमज़ोर करना नहीं है, हम इनका मुकाबला डट के करते रहेंगे। यस सर,
ठीक है, चलिए ये इजाजत। बाकी थाना था सर के फोन कर, मेरा नंबर दो चार, आप लोग दुआ करिएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब का टीम है, हैदराबाद से आया है, हैदराबाद से आए हैं, तो हमारे शाह भाई के पास जो है मुलाकात के लिए आए थे। तो चलिए दुआओं में याद रखिए, मीम के लिए दुआ करिएगा। ठीक है, ठीक है, चले।